हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और सुबह के 7:30 बज गए हैं, तो हमारे काम भी सुबह के हो गए हैं और अब हम टिफिन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज बनाएंगे तो करेले को काट के 10 मिनट के लिए नमक के पानी में रख दिया था और एक बार पहले धो लिए थे, और नमक के पानी के बाद एक बार फिर से धोए। और देखिए अब तेल में तला रहे हैं, और तेल में तलाने के बाद मसाले में तलाए तो सब्जी बन के हो गई है हमारी तैयार, क्योंकि टिफिन लगानी जल्दी जल्दी पड़ती है 8 बजे के पहले। तो टिफिन भी हो गई है हमारी तैयार, टिफिन हो गई तैयार। आज पानी तो बंद ही नहीं हो रहा, रात से लग हुए हैं टेम टेम। और चिड़ियों को सुबह दाना डाल दिया था, चावल डाले थे और फिर आ रही हैं बार बार, तो एक रोटी डाल दी है मैंने। तो देखिए एक चिड़िया है और दो अपने बच्चों को खिला रही है, और इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं और अभी वो अपने आप से नहीं खाते, जब चिड़िया उनको खिलाती है तभी खाते हैं। और इधर तोड़ लिया है मैंने आम, तो देखिए सावन के महीने में आम लगे हों तो देखने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि तोड़ने के बाद काटे तो बीच में से काले काले निकल रहे हैं, देखिए। तो बस मौसम में ही आम अच्छे लगते हैं, फिर नहीं। और इधर जा रहे हैं गाय को रोटी खिलाने, तो एक गाय छूट के आई है और मुझे डर भी लगता है मारने का कि कहीं मार ना दे, तो मैं उसको रोटी दिखाकर बुला रही थी, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी, घास चरने में लगी थी। गई है, छूट गई। तो महिमा अपनी दादी को बुला रही थी। बहुत दिनों में निकली आज इतनी तेज धूप, देखो तो। अब बड़ा है गर्मी, तो आज खेत का काम भी कर लिया है, इतना कचड़ा पटाया है आज आध घंटे में, देखिए पूरे में कितना कितना बड़ा बड़ा कचड़ा लगा है। और ये हमने परसों इधर का किया था साफ, वो बस 8 दिन में फिर हो जाता है, तो 3-4 बार पटा चुके हैं घर का कचरा, और आज फिर से पटाया है, देखिए इतना निकला है। और अब कल इधर का पटाएंगे और फिर इस साइड का। तो बस आज का यही काम था, चिड़ियों को दाना डालना, वो तो रोज का होता है, और गाय को रोटी खिलाना और खेत से घास निकालना। इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये वीडियो किसने बनाया है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। Beautiful. There is kind of lake. हमारा गांव भी बहुत सुंदर है, इट्स द आउटसाइड बट ब्यूटीफुल। 1 लेक, 2 लेक, 3 लेक। तुम देखिए पल पल में बदल रहा है, अभी एकदम से बहुत ज़्यादा काले बादल आ गए थे और छोटी छोटी बूंदों की बारिश, और थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, तो आज 3-4 दिन के बाद धूप निकली है और फिर बादल आ रहे हैं, फिर धूप निकल रही है, और अभी तो सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं हुए 3-4 दिन से। तो मौसम का यही हाल है, बरसात में कभी धूप, थोड़ी सी धूप मिलती है, और तो पानी बारिश ही बारिश होती है, बस सूर्य देव तो दर्शन के लिए ही आते हैं, वो भी कभी कभी। तो बस बाहर का काम भी हो गया है हमारा, कपड़े भी धो लिए हैं और गाय को रोटी भी खिला दी है,
अब अंदर चल के करना है गेहूँ साफ, थोड़ा सा गेहूँ साफ करेंगे। तो इतना गेहूँ तो मैंने साफ कर लिया है और कचड़ा देखिए निकला है, और कल छान लिया था तो बहुत ज़्यादा कचड़ा निकला था, और अब इतना और करेंगे, हो जाएगी शाम तो फिर शाम के काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो हम कर रहे हैं घर की संध्या, और महिमा और बाकी के लोग करेंगे मंदिर की संध्या, और पहले रामधुन करेंगे फिर उसके बाद संध्या करेंगे मंदिर की। वो तो जाती है अभी तक भाई ने कमो मंदिर की संध्या पहले हो जाती, कमो रामधुन पहले हो दिया, लेकिन सबसे पहले जल जा। बा हमेशा ही परेशान करते, एक पंखा चल बने के हेल वो के थे पूरे में फैल जाए भाई स्मेल, वही तो सांस अभी रोने लगे। तो आज घर की और मंदिर की दोनों एक साथ हो गई है संध्या, और वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलूँगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता, जय संध्या माता।